बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूह रहमान ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पाक स्टडी का टॉपिक है, नेहरू रिपोर्ट। इससे पहले पाक स्टडी का जितना भी सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल में पाक स्टडी के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके कोई भी वीडियो तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। व्हाट इज़ नेहरू रिपोर्ट एंड इट्स मेन पॉइंट्स। खैर, इस सवाल के साथ हम ये इसके इस सवाल के आउटलाइंस ये है, इंट्रोडक्शन टू क्वेश्चन। इस सवाल के हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेहरू रिपोर्ट, मेन पॉइंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद हम मेन पॉइंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट में, क्या क्या जो मेन पॉइंट्स थे, कौन कौन से मेन पॉइंट्स डाले गए थे। फिर अमेंडमेंट्स ऑफ कायदे आज़म फॉर नेहरू रिपोर्ट। फिर कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के लिए क्या क्या तजवीज़ किया, ठीक है, कि इन नेहरू रिपोर्ट में कौन से अमेंडमेंट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम नेहरू रिपोर्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पढ़ेंगे। इन 1928 देयर वाज अ एपीसी इन इंडिया। एपीसी का मतलब है ऑल इंडिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। 1928 में इंडिया में एपीसी बुलाया गया, हुज लीडर वॉज मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू का जो बाप है उसको मोतीलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है, द टास्क दैट वॉज गिवन टू देम वॉज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनको ये टास्क दिया गया था कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, द हिंदू लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग वर, जो हिंदू लीडर्स थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट में शिरकत की, उनके नेम्स हैं मोतीलाल नेहरू, ताज बहादुर, जी आर पार्डन, एम आर जेकर एंड एन ए जोशी। ऑन द अदर हैंड देर वर ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड पे देर वर सम मुस्लिम लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द एपीसी हु आर एज अंडर अली इमाम एंड शुएब कुरैशी। यानी इनमें से कुछ, क्योंकि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस था तो इसमें से हिंदूज भी थे और मुस्लिम भी थे। मुस्लिम तो बहरहाल नहीं थे, दो मुस्लिम्स थे जिनका नाम है अली इमाम और शुएब कुरैशी, और हिंदूज में जो ऊपर मैंने बयान किए। अब इनका मकसद तो ये था कि एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है इंडिया के लिए। तो इनके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मेन पॉइंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट, डिमांड ऑफ अ डोमिनेंट स्टेट, यानी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना। डोमिनेंट स्टेट का मतलब ये है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत, जिसमें चाहे वो टैक्सेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट सॉवरेनिटी हो, तमाम जो स्टेट के जो चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम किसके हाथ में हो, वो सब के सब हिंदुस्तान के जो बासी है जो रहने वाले उनके हाथ में हो। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मुराद एक यूनिटी गवर्नमेंट हो, ये नीचे लिखा हुआ है यूनिटी गवर्नमेंट सिस्टम। यूनिटी गवर्नमेंट से मुराद जहाँ पे तमाम इख्तियारात सुबू की बजाय वफाक, यानी जो वफाक नहीं बल्कि ये हमारा कैपिटल के साथ होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो अगर तमाम इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाए और वहाँ से सुबू को चलाया जाए, इसको हम यूनिटी फॉर्म द गवर्नमेंट कहते हैं। मगर आजकल हमारा जो है वफाकी गवर्नमेंट है, कैपिटल सिस्टम है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कैपिटल फॉर्म द गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि तमाम इख्तियारात वफाक के साथ नहीं है, सेंटर के पास नहीं है बल्कि सुबू के पास भी इख्तियारात हैं। अपोजिशन टू मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अलेक्टो जो मुसलमानों ने सिंगल अलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा किया था, उनके मुखालफत की और मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है यानी उनकी लीडरशिप की मुखालफत की। सपोर्टेड द रिफॉर्म्स ऑफ बलूचिस्तान एंड NWFP, यानी बलूचिस्तान और NWFP के पीके की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने रिफॉर्म्स को कबूल किया कि वहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए। कंडीशनल सेपरेशन इन सिंध, यहाँ पे सिंध को सेपरेट करने के लिए उन्होंने कंडीशंस रखी, हालांकि कंडीशंस नहीं रखने चाहिए थे, मुसलमान ये कह रहे थे कि कोई कंडीशंस नहीं होने चाहिए, मगर इन्होंने कंडीशन रखी है, फिर कहा कि सिंध क्या करेंगे, फिर सेपरेट हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो। ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम रखा मुसलमानों ने, इसके बरखिलाफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का कहा था। प्रायोरिटी ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज़ की बात उन्होंने की थी मगर वो उस तरह हकूक नहीं दे रहे थे, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ है, जो अकलियत है, उनको हकूक देने की बात की। हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू की बजाय उन्होंने हिंदी की बात की।
अमेंडमेंट्स फॉर नेहरू रिपोर्ट बाय कायदे आजम। कायदे आजम ने कौन कौन से अमेंडमेंट्स तजवीज़ किए? वन थर्ड सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए वन थर्ड सेंट्रल लेजिस्लेशन होने चाहिए। रेजिजरी पावर्स टू प्रोविंसेस, यानी यूनिटरी फॉर्म द गवर्नमेंट के बजाय फेडरल फॉर्म द गवर्नमेंट बनाया जाए ताकि वहाँ पर रेजिजरी पावर्स टू द प्रोविंसेस दिए जाए, सूबों को प्रोविंशियल अटोनॉमी दी जाए। ठीक है, प्रोविंशियल अटोनॉमी से मुराद सूबाई खुद मुख्तारी या रेजिजरी पावर्स उनको दिया जाए ताकि वो खुद अपने आप को चलाया जा सके। ठीक है, चलाए। ठीक है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, मुसलमानों का अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बंगाल और पंजाब में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के मुताबिक। ठीक है, अब मुस्लिम्स के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, ये यहां से मैं इसको थोड़ा सा लेट मी इसका फॉन्ट में बड़ा करता हूँ। व्हाट आर द ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स फॉर द मुस्लिम इन नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए कौन से ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स हैं? फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स फॉर मुस्लिम इन नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए ये नीचे दिए गए तमाम जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। यूनिटरी सिस्टम, मुसलमानों ने फेडरल सिस्टम, अब मैं आपको बताता हूँ, इसके बजाय मुसलमानों ने कहा था कि फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मुस्लिम्स का था, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मुसलमानों ने कहा था और ये हिंदू ने इसको प्रेफर किया। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रिफ्यूजल फॉर हिंदूज, मुस्लिम ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था मगर हिंदूज ने क्या किया, हिंदूज ने उसको रिफ्यूज किया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट, मुसलमानों ने क्या कहा था, मुसलमानों ने इसकी बजाय मुसलमानों ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ठीक है, ये मुस्लिम्स ने कहा था बल्कि हिंदू ने उनको क्या किया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का। सिंध Not declaring as a province instead keeping conditions, उन्होंने सिंध को सूबा नहीं बनाया बल्कि उन पे क्या ऊपर conditions बनाए जो अच्छा नहीं था। हिंदी as an official language, इन्होंने हिंदी की बात की, इन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कहा कि जो उर्दू है as an official language होना चाहिए। ठीक है, ये मुसलमानों ने कहा था और वो हिंदू ने कहा था। ठीक है, इसके बाद रिफ्यूजल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात नहीं की, यानी आईनी जो तहफ़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हिंदू ने इसकी बात नहीं की मगर मुसलमानों ने इसकी बात की थी। तब इस पर ये जो नेहरू रिपोर्ट है इस पर क्या हुआ, इस पर मुसलमानों की तरफ क्रिटिसिज्म हुई और इसके मुकाबले में जो मुस्लिम लीग है जो कायदे आज़म है उन्होंने अपना वो पेश किया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स फॉर मुस्लिम्स इन नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो हमने नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या पढ़ा, हमने नेहरू रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, मेन पॉइंट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट पढ़े, अमेंडमेंट्स ऑफ कायदे आज़म फॉर नेहरू रिपोर्ट पढ़े, ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट फॉर मुस्लिम इन नेहरू रिपोर्ट और हम लास्ट में हमने कंक्लूजन पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगली वीडियो में मिल सकेंगे हम कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स।